आर्थराइटिस जो है उसको कहते हैं कि आपके जितने भी जोड़े हैं उनके अंदर सूजन आ जाए, दर्द हो जाए, तकलीफ हो, उनकी सोजश हो जाए, उसे आर्थराइटिस कहते हैं। और पहले तो ये सुना जाता था कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोग, ज़यीफ लोग जो हैं उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये जवानों में भी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में एंड में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप अपने आर्थराइटिस सोजिश को, जोड़ों की, कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस असद कुरैशी है और dr_hhq पे आप सोशल मीडिया पे मुझे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिकटॉक पे मैंने नया अकाउंट बनाया dr.hhq, उस पर भी आप लाइक कर सकते हैं। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि सोजिश है, और सोजिश जो है कहीं पे भी जिसम में बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन जब ये जोड़ों में हो जाए बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम सोते हैं, उठते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत ही अकड़े होते हैं हमारे जोड़े और उनको बहुत दर्द भी होता है उसके अंदर और प्रॉब्लम होती है। तो इसको कहते हैं आर्थराइटिस, सोजिश होती है आपके जोड़ों के अंदर। सोजिश इसलिए होती है कि आपकी वेयर एंड टेयर होती है, आपकी जाहिर बात है टिश्यू डैमेज होता है, और फिर उसके बाद जब वो ख़राब होता है तो रिपेयर होता है। और जब ये सारी चीज़ चल रही होती है तो हम लोग, जब ये प्रॉब्लम होती है तो एक दवाई होती है एनसेड्स के नाम से, इन्फ्लेमेटरी सोजिश को कम करने की दवाई होती है, वो लेना शुरू कर देते हैं ये सोचे बगैर कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत ख़तरनाक है। उसकी वजह से आपके पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आँतों की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, खून रुकने की प्रॉब्लम, और लास्टली गुर्दे की भी प्रॉब्लम हो सकती है एनसेड्स खाने की वजह से। और उससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आपको कुछ मॉलेज भी कभी कभार, और नॉर्मल इंसान खुद भी जो है वो स्टेरॉइड्स शुरू कर देता है। और स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल ही ख़तरनाक चीज़ है, वो आपकी टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप अपना बड़ा नुकसान कर देते हैं उसको। आपकी कुव्वत मुदाफियत को भी ख़राब कर देता है और आपके जोड़ों को भी ख़राब कर देता है। उस वक्त तो आपको रिलीफ आ जाएगा और आप बड़े खुश होंगे, यार मैंने ये ले ली और मैं सही हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लंबे सफ़र में ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इसी के लिए हमें कोई ऐसी चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है जो कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जिसके, और नेचुरल भी हो। तो मैं अक्सर आपको नेचुरल चीज़ें ही बताता हूँ। तो पहले थोड़ी ज़रा इसकी साइंस में बात कर लें। एक चीज़ होती है सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चीज़ होती है NAD। NAD जो होती है ये आपकी एनर्जी को, ATP जो भी हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है वो इसके थ्रू बनती है। NAD जो है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, पावर सिस्टम है पूरे आपके सेल का, तो वो उसको ATP में एनर्जी को कन्वर्ट करता है जो हम खाते हैं। NAD का ये फ़ायदा है। NAD जो है वो 400 से ज़्यादा टाइप्स में आता है, जीन्स के अंदर पाया जाता है, और अगर ये कम हो जाए तो बहुत नुकसान होता है। आपकी सोजिश की प्रॉब्लम होती है, आपके जो कोलेजन है जो आपके जोड़ों को मिला के रखते हैं, सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं, उसकी कमी हो सकती है। मसल्स में, जोड़ों में बहुत शदीद दर्द हो सकता है, मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मादनियात की प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर हो सकता है इसकी कमी की वजह से। कुव्वत मुदाफियत जो है ना आपकी वो बिल्कुल कम हो जाएगी और आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर ये NAD कम हो। NAD एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हल इसका क्या है? हल इसका ये है कि हम कोई ऐसी चीज़ नेचुरली यूज़ करें, तो वो है विटामिन B3। विटामिन B3 दो किस्म के होते हैं, एक नाइसिन होता है और एक नाइसिनमाइड होता है। नाइसिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स और इसके लिए बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नाइसिनमाइड जो है वो आपकी सोजिश, जोड़ों से रिलेटेड, इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है, और इसको अगर आप लेंगे तो आपकी ये जोड़ों की और ये सोजिश जो है बहुत बेहतर हो सकती है। और इसको लेने का तरीका है कि 100 से 150 माइक्रोग्राम जो है आप ये ले सकते हैं 3 से 6 दफ़ा दिन में, लेकिन अपने मौलिक से आपने ज़रूर रब्ता करना है कि आपको कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको लेने से। कुछ डिपेंड करती है कि आपको कितना सोजिश है, कितना आर्थराइटिस है, और ये एक साथ नहीं लेनी। अक्सर लोग समझते हैं 3 से 6 दफ़ा लेने के बजाय एक साथ ही ले लें ये 100 या 150 माइक्रोग्राम, नहीं, आपने ये हिस्सों में लेनी है। लेकिन ये बात याद रखनी है, जब आप ये ले रहे हैं तो इसके साथ आपने अपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। प्रोटीन का इंटेक अच्छा नहीं होगा तो नाइसिनमाइड जो विटामिन B3 का टाइप है वो अच्छा काम नहीं करेगा। अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, और ट्रिप्टोफैन भी जो है वो नाइसिनमाइड में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती।
आपको एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत पड़े। जो हम कॉर्न्स और जंक फूड खाते हैं ये जो है ये आपके नाइसिनमाइड को ब्लॉक करता है, ट्रिप्टोफेन को भी ब्लॉक करता है, इनडायरेक्टली नाइसिनमाइड को भी ब्लॉक कर देता है। ये ट्रिप्टोफेन जो है विटामिन बी3 में कन्वर्ट होता है, तो उसी से आपको नाइसिनमाइड भी मिलता है। विटामिन डी के बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, विटामिन डी के तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, विटामिन डी आप ज़रूर लें लेकिन उसके साथ ये विटामिन बी3 भी लें जिसमें नाइसिनमाइड आपको आएगा, तो आपके जोड़ों की सोजिश और ये सारी प्रॉब्लम्स बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी एनर्जी देता है, एक्सरसाइज के लिए आप कुछ बढ़ती है, एक्सरसाइज फिजियो अपनी खुद कर सकते हैं, उससे भी बेहतर होगा ये। लेकिन ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है बहुत ही चीप है, सस्ती है और एक्सपेंसिव भी नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, इसलिए मैं नेचुरल चीज़ें बताता हूँ। जो आपको मेडिसिन बताई हैं वो महंगी भी हैं और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। इस बीमारी और भी किसी बीमारी से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है DR_HHQ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लोगों को सवाल के जवाब देने की कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कोशिश करता रहता हूँ कि जिसका भी फ़ायदा हो। और मैंने एक नया वीलॉग का अपना चैनल बनाया है, DRHHQ वीलॉग्स, ताकि आपको लाइफस्टाइल पता चल सके डॉक्टर्स का कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं सब्सक्राइब DRHHQ वीलॉग्स के नाम से। अपना ख़ास ख्याल रखें, शुक्रिया।